हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैर। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे और हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई, पाकिस्तानी लड़कियां जो है ना वो इंडियन हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती हैं। भाई पाकिस्तानी लड़कों को रिजेक्ट करके इंडियन लड़कों से, हिंदुओं से फिर शादी करना चाहती हैं। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज की लड़कियों को मौका मिले इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का, तो क्या पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं हिंदू लड़के से शादी करेंगी आज की डेट में? नायला मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी अगर वो अच्छा हो। कहते हैं और मुझे हिंदू जो बॉयज़ हैं उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब स्टैंड की बात आती है ना कि अपनी फैमिली के लिए उन्होंने स्टैंड लेना, तो वो उसी टाइम लेते हैं। और जो मुस्लिम बॉयज़ हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सख्त किस्म के होते हैं, शक वगैरह करते हैं ना, मिजाज होती है। हाँ, इसीलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। और जहाँ पर हिंदू बॉयज़ की बात आती है, हम वीडियोस में भी देखते हैं काफ़ी अच्छी उनकी सोच है। और वो जो लेडीज़ होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। और हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे ताकि आप शादी कर सकें? मेरी कोई और, मैं कहती हूँ ना, मेरी ज़्यादातर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करें। जब रिस्पेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सब हर चीज हो जाएगी, हर चीज आपका सिर्फ आपका ही हो, आपकी चीज आपकी। हाँ, तो मुझसे शादी करेगा ऑब्वियसली मेरा होगा ना, तो इस वजह से। और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना, तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है। हर बंदा ये सोचता है रहना कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया ही शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे, वहाँ पे सनातन धर्म वो कहते ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, इंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे, और अगर कोई माने तो ना मान जाएंगे। भाई देखना, अभी लाइनें लग जानी है नायला के भी। सही हो गया। अच्छा, ये इंडिया जो है हर लिहाज से बेस्ट है, इसीलिए आपकी ख्वाहिश है कि आप हिंदू लड़के से शादी करें, कन्वर्ट कर लेंगे फिर मतलब अपना रिलीजन? ये तो वो कहते हैं ना कि वो आगे हम वो कहते हैं ना लाइफ पार्टनर भी अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा हो ठीक हो तो मैं रिलीजन, वो कहते हैं ना अगर हम नॉन मुस्लिम से शादी कर लेंगे उसी का धर्म अपनाना पड़ता है, ये तो जाहिर सी बात है। आप कन्वर्ट कर? हाँ ऑब्वियसली, कोई बात नहीं, खुदा तो एक ही है ना, उसी की इबादत करनी है, उसी को मानना है। ये रिलीजन तो हमने वो कहते हैं ना अपने लिए किया हुआ है कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, लेकिन मैं हो जाऊंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ नायला कि जो लोग आपको देख रहे हैं, बॉयज ज़्यादातर देख रहे हैं, उनमें से आपको रिश्ता आ जाना है ठीक है? मुझे पता है मेरे कमेंट्स में भी लगे होते हैं। सही हो गया, यानी कि आपके कमेंट्स में भी लगे होते हैं मुझे। और जनाब अब तो रिश्ते खुद पेश हो रहे हैं आप सबके लिए, तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, और शादी करने का मौका मिले इंडियन हिंदू गाय से तो कर ली। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं तो चाहती थी कोई सवाल मेरे से ये करे कि तुम्हें इंडिया में किसी से शादी करनी हो तो किससे करोगे। मैं इंडियन में अगर कोई हिंदू हो तो, देखो हिंदू हो या मुसलमान हो, बस दिल का अच्छा होना चाहिए बस, और प्यार करने वाला होना चाहिए, और मेरा ख्याल रखने वाला होना चाहिए, मेरे घर वालों की इज्जत करने वाला होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें मतलब मैं बाइक वगैरह चलाती हूँ ना, तो उस उन चीज़ों को कबूल करे और कहे कि हमारा तुम आज तुम बाइक चलाओ मैं तुम्हारे पीछे बैठा, मौसम अच्छा है, इंजॉय करना चलते हैं। जितना लिबरल इस मामले में इंडिया है, इससे ज़्यादा लिबरल कोई आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। कर लेंगे तो फिर, यानी कि बस उसकी शर्त ये है, आपकी शर्त ये है कि वो बस आपको बाइक चलाने दे, मतलब बाइक चलाने दे, प्यार करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो, मेरी घर वालों की इज्जत करने वाला हो, यानी कि इस तरह की क्वालिटीज चाहिए। भाई हिंदू लड़कों अगर बता दो इस कोई किसी को रिश्ता भेजना ना, तो कमेंट्स में बता दो, ये पढ़ लेंगी। पढ़ लूंगी मैं। अपना तैयार बैठी हूँ, तैयार इंडिया जाने के, वहाँ आपने मुझे लगता है कि ना बॉर्डर पार करके चले जाना है। कोई अच्छा मिल जाएगा तो बॉर्डर पार भी मैं कर लूंगी, कोई मुश्किल नहीं है। वाह भाई वाह, सल्यूट है इस बंदी को। अच्छा पहले तो मैं ये बताऊं कि हिंदू और मुस्लिम मायने नहीं रखता, कि अगर आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपका कोई लव सीन हो जाता है तो धर्म मायने नहीं रखते। तो इसलिए मेरे लिए ये चूज़ करना ही मुश्किल होगा कि वो हिंदू हो वो मुसलमान हो, वो पर्सन मेरे दिल के करीब होना चाहिए, डेट्स इट। क्या बात है, यानी कि हिंदू लड़के से आप शादी कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइएगा कि शादी हो गई आपकी ठीक है, हिंदू लड़के से भी होगी, तो हिंदू मतलब रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगी?
देखिए पहली बात ये कि हिंदू धर्म में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाते, मतलब कि अगर मैं मुसलमान रहना चाहती हूँ तो जो मेरा होने वाला हस्बैंड होगा वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं करेगा कि तुम हिंदू बनो। और देखें हर लड़की ससुराल जाती है, उसको मायके भी आना पड़ता है, अगर वो मेरा ससुराल है तो ओबियसली जब वेकेशंस होगी मैं पाकिस्तान आना चाहूँगी, तो लड़कियां तो अपने ससुराल ही अच्छी लगती हैं। यानी कि आप इंडिया में ही जाएंगी सीधा सीधा कह दें। ओबियसली बात है वहीं जाऊँगी, प्यारा हुआ तो कर लेंगे। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सीरत से अगर प्यारा हुआ तो जरूर कर लूंगी। इसकी आदत नजदीक सीरत क्या होनी चाहिए लड़की की जो खूबसूरत हो? आदत अच्छी होनी चाहिए। आदत अच्छी, कैसी आदत अच्छी होनी चाहिए? अंडरस्टैंड जल्दी कर ले हर बात को, यानी कि आपकी हर बात माने। हाँ, हर बात माने। अंडरस्टैंड करें, आपको मिल गया हिंदू लड़का, ठीक है, तो शादी करके आप कन्वर्ट हो जाएंगी हिंदू रिलीजन में? नहीं, कन्वर्ट जब जाहिर सी बात है प्यार होता है, जब मतलब सब कुछ होता है, फिर लड़के को इंसान फोर्स कर ही लेता है, उसको कह ही देता है कि यार अब मज़हब का थोड़ा सा अगर आप चेंज कर लोगे, नहीं तो यार अपने आप अपने मज़हब के साथ में अपने मज़हब के साथ। आई थिंक हम पूछ लिया, अब अपना बताएं। अगर आपको, चले मैं ही आपसे सवाल करती हूँ, अगर आपको इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिले तो क्या करेंगे आप? आपकी क्या राय होगी? भाई मैं तो कहती हूँ, मैं सदा से वेली तैयार बैठी हूँ कि मैं जो हूँ ना फौरन चली जाऊँगी। यार बड़े अच्छे कमेंट्स थे पाकिस्तानी लड़कियों के, और रिपाह इमरान की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल गई थी, मैंने ये पहले भी देखी हुई है लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी, और पाकिस्तानी लड़कियों की थॉट्स देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यार असल में पता क्या होता है, पाकिस्तान में ना जब कोई लड़की शादी कर लेती है ना तो उसको बुरखा पहनाते हैं, उसको बाहर जाने नहीं देते, उसको आजादी नहीं देते, उसको बोलते हैं कि भाई तुम बाहर नहीं निकल सकती, कुछ तुम बाजार में लेने नहीं जा सकती, अगर तुम जाओगी तो हमारी बेइज्जती है इस चीज में। पता नहीं यार क्या इनकी थॉट्स है, मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन ये इंसल्ट समझते हैं इस चीज में कि हमारी जो वाइफ है उसको कोई ना देखे, कुछ ना हो, नहीं नवेली दिन। लेकिन फिर जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर ये लेडीज को थोड़ी सी आजादी मिलती है, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैंने ना इंडिया में ये चीज नहीं देखी, वहां पे जो लड़के होते हैं ना वो अपनी वाइफ को खुद बाहर लेके जाते हैं, उनको आजादी देते हैं कि भाई उसको ना मतलब पुश करते हैं कि हाँ तुम्हें भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, तुम्हें भी अपनी लाइफ में जो तुम्हारा ड्रीम है उसको पूरा करो। तो ये चीजें जो है ना अफेक्ट करती हैं लड़कियों को कि यार फ्रीडम बहुत ज्यादा जरूरी है। यार आजकल के दौर में हम जैसे एक परिंदा होता है ना, उसको कैद कर देते हैं ना, तो उससे पूछो कि अगर उसको खाना चाहिए या उसको फ्रीडम चाहिए, तो वो बंदा, वो परिंदा बोलेगा मुझे आजादी चाहिए। तो इसी तरह से लड़कियां भी हैं, लड़कियों को भी आजादी दो और उस पर ट्रस्ट करो, वो देखना फिर कितना कामयाब होके दिखाएंगे। लेकिन यार ये मर्द जो होते हैं ना ऐसे, जिनकी सोच टिपिकल होती है, मैं सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ होते हैं जो जिनकी सोच होती है कि जो औरत है ना हमसे कहीं आगे ना निकल जाए, और अगर वो आगे निकल गई ना तो वो उसको अपने राइट्स का पता चल जाएगा। असल में यहाँ पे लड़कियों को अपने राइट्स का पता नहीं है, और जब उनको पता चल जाता है फिर वो डिमांड करने लगते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो, तो फिर इस सूरत में ये मर्दों को बर्दाश्त नहीं होता और फिर डिवोर्स रेट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर चले ना, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की बातों को समझे, तो लाइफ बहुत अच्छी गुजर सकती है। लेकिन नहीं भाई, इनकी जो सोच है ना उसको बदलने में बहुत अरसा लगेगा, इसलिए पाकिस्तानी लड़कियां खास तौर पे दूसरे जो कंट्री के लोग हैं उनसे शादी करना पसंद करती हैं, ताकि हमें कम अज कम फ्रीडम तो मिल सके ना। तो इस यही एक असल रीजन है पाकिस्तानी लड़कियों का, पाकिस्तानी लड़कों को रिजेक्ट करके इंडिया के लड़के या फिर फॉरनर जो बॉयज हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको आजादी प्यारी होती है और उनको पता होता है कि हम वहां जाएंगे तो हमें आजादी मिलेगी, और यहाँ पर रह के हमें कैद ही मिलनी है। चाहे आप जितना मर्जी मॉडर्न फैमिली में शादी कर लो ना, उनमें कहीं ना कहीं पाबंदियां आई जाती हैं, तो उन पाबंदियों से आजादी चाहिए होती है हर लड़की को। तो यही थी आज की वीडियो, आपकी क्या थॉट्स हैं इस हवाले से? जो लड़कियों ने बोला बहुत अच्छे कमेंट्स थे, वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं।